गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोयम दैट्स नेम इज मेक रूम फॉर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए रूम बनाना। इस वीडियो सेशन में हम लोग पोयम को पढ़ेंगे जो आपके बुक कम्युनिकेट इंग्लिश से लिया गया है। इस पोयम का नाम है मेक रूम फॉर एलिफेंट्स, दैट मीन्स इन हिंदी एलिफेंट्स के लिए रूम बनाना। इस पोएम के जो पोएट है रस्किन बॉन्ड एलिफेंट्स के लिए रूम बनाना चाहते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स को पालना चाहते हैं, एलिफेंट्स को अपने पास रखना चाहते हैं। रस्किन बॉन्ड्स को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। रस्किन बॉन्ड्स एनिमल्स से रिलेटेड बहुत सारे उन्होंने पोएम्स स्टोरी राइट किए। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित मेक रूम फॉर एलिफेंट्स पोएम को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। जो वर्ड्स मीनिंग है आपका, फर्स्ट नो, नो मीन्स जानना, किसी चीज को जानना, किस चीज़ के बारे में जानना, दैट मीन्स नो। नेक्स्ट वर्ड है क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड प्लेस मीन्स होता है भीड़ भाड़ वाला जगह, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, गैदर हो, बहुत सारे लोग जमा हो, उसे क्राउडेड प्लेस कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस मीन्स जगह, स्पेस लेना, जगह लेना। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स होता है अलग, जो भिन्न हो, जो सबसे अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स भगवान, गॉड, दैट्स कॉल्ड गॉड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, वाइड, वाइड कह सकते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैडी। ग्लैडी मीन्स हैप्पीनेस होता है, खुशी पूर्वक, ठीक है। जब हम खुश रहते हैं तो ग्लैडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रिंग्स। ब्रिंग्स मीन्स होता है लाना, इस चीज को लाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टे। स्टे मीन्स रुकना, ठहरना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेक। मेक मीन्स होता है बनाना। नेक्स्ट टेक अप। टेक अप मीन्स होता है जगह लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका वर्ड्स मीनिंग हो गया, इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम लोग पोएम की ओर चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आई नो द वर्ल्ड्स क्राउडेड प्लेस एंड एलिफेंट्स टू टेक अप स्पेस, but if it makes a different lodge, I had gladly share my room and brought. Ruskin Bond कहते हैं कि I know, मैं जानता हूँ कि यह world जो है वह crowded place है, crowded भीड़ भाड़ वाला जगह है। यह world में बहुत ज़्यादा population है, जनसंख्या है, इसलिए Ruskin Bond कहते हैं कि यह world जो है वह crowded place है, भीड़ भाड़ वाला जगह, यहाँ पे आदमी की संख्या बहुत है। And elephant do take up this place. और एलिफेंट्स एक विशाल जानवर होता है, इस धरती पे सबसे विशाल जानवर एलिफेंट्स होता है। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि एलिफेंट्स का शरीर बहुत विशाल होता है, वह स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, जगह बहुत लेता है, क्योंकि उसका शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, इसलिए वो काफ़ी स्पेस लेता है। बट इफ इट मेक अ डिफरेंस लॉज, लेकिन रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि एलिफेंट्स का जो शरीर विशाल होता है, चौड़ा होता है, यह और सभी जानवरों से उसे अलग करता है। भगवान ने उसे डिफरेंस बनाया है, कुछ अलग बनाया है, यह उसकी एक विशेषता है कि भगवान ने उसे अलग बनाया, डिफरेंस बनाया। आई हैड ग्लैडली शेयर माई रूम एंड ब्रॉड, और रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं खुशीपूर्वक हैप्पीनेस होकर मैं एलिफेंट्स के लिए रूम प्रोवाइड करना चाहता हूँ, रूम बनाना चाहता हूँ। उसके बाद रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं अपना रूम शेयर करना चाहता हूँ, यानी एलिफेंट्स को देना चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी विशाल हो, कितना भी उसका शरीर चौड़ा हो, चाहे कितना भी स्पेस लेता हो, मैं एलिफेंट्स को अपना रूम शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि रस्किन बॉन्ड्स को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, वे एनिमल्स को पालते हैं, उसके उनके घर में अनेक प्रकार के एनिमल्स। नेक्स्ट, अ बेबी एलिफेंट वुड डू, बट इफ ही ब्रिंग्स ही मदर टू देयर्स दैट गैरेंस ही वुड नॉट माइंड
elephant hear more than kite. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि अगर एक बेबी एलिफेंट्स आता है तो बेबी एलिफेंट्स को मैं अपना रूम शेयर करूंगा, लेकिन जब बेबी एलिफेंट्स अपने माँ के साथ आती है, मदर्स को लेकर आती है, तो मेरे डैड का गैराज है, मेरे डैड का गैराज है, वहाँ पे मैं बेबी एलिफेंट्स को और उसकी माँ को रखूंगा. टू एलिफेंट्स हेयर मोर देन काइंड्स. एलिफेंट्स अनेक प्रकार के होते हैं और एलिफेंट्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं. अगर एलिफेंट्स अपनी माँ को लेकर आता है, अपनी डैड को लेकर आता है, तो सभी को मैं अपना रूम शेयर करूँगा. नेक्स्ट लास्ट में रस्किन बॉन्ड करते हैं, बट आई वंडर व्हाट आवर मॉम वुड से इफ द एलिफेंट फादर कम टू योर स्टेट. फिर रस्किन बॉन्ड करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अगर बेबी एलिफेंट्स अपने फादर को लेकर आता है, अपनी माँ को लेकर आता है, तो मैं अपना रूम शेयर करूँगा. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि अगर एलिफेंट्स का फादर आ जाता है तो तुम क्या करोगे. तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि अगर एलिफेंट्स का फादर भी आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो मैं उनको अपना रूम शेयर करूँगा. इस तरह इस पोएम में बेसिकली यह बताया गया, रस्किन बॉन्ड ने बताया है कि हमें एनिमल से लव करना चाहिए, उसका टेक केयर करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको वर्ड्स मीनिंग को लर्न करना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और इस पोएम को लर्न एंड राइट करना है अपने कॉपी में. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. क्लियर? थैंक्स.